वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर शॉटगन माइक्रोफोन जो है बोया का MM1 और इसे हम टेस्ट करके देखेंगे बोथ DSLR एंड मोबाइल में और देखेंगे कि ये बेस्ट बाय है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है AK मिश्रा, सभी का स्वागत है के रिव्यूज में। लेट्स बिगिन। वेबसाइट में इसका प्राइस जो मेंशन है वो 2995 रुपीज, बट ये आपको बिलो 2500 में अवेलेबल मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो पहले सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स कंटेंट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें एक माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है। इसका ये माउंटिंग शॉक एब्जॉर्बिंग माउंटिंग है। ये हॉट कोल्ड शूज़ में फिट हो सकता है या फिर हॉट शूज़ में आप इसको अटैच कर सकते हैं। हम इसको आगे अटैच करके भी दिखाएंगे। ये है स्मार्टफोन कनेक्टर। इसको हम जो एंगुलर साइड है इसको हम माइक्रोफोन में कनेक्ट करते हैं और ये साइड को हम स्मार्टफोन में कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से ये आता है DSLR में कनेक्शन के लिए। इसका एक अच्छा खासियत ये है कि रोड माइक्रोफोन में आपको सिर्फ DSLR का ही केबल देखने को मिलता है, बट बोया का माइक्रोफोन में आपको बोथ DSLR एंड मोबाइल कनेक्टर दिया गया है। हम साइड में रखते हैं। एक कैरिंग पाउच भी दिया गया है, तो भी हम साइड में रखते हैं। इसे एक डेड कैट भी कहा जाता है। नॉर्मली ये वाइन नॉइज कैंसलेशन में काम आता है। जब बाहर बहुत वाइंड रहता है, हवा का जो आवाज़ रहता है, साउंड रहता है, उसको ये ब्लॉक करता है। इसके अंदर से हमें ये माइक्रोफोन निकालना है। तो माइक्रोफोन का जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी अच्छा है। ये मेटल में बना हुआ है, काफ़ी प्रीमियम फील आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है इसमें बैटरी का यूज़ नहीं हुआ है। तो हम टेस्ट करके देखेंगे कि बिना बैटरी का ये DSLR और मोबाइल में कैसे काम आता है। तो जल्दी से हम इसको अभी टेस्ट करके देखते हैं। ये जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हैं ये DSLR का इनबिल्ट माइक्रोफोन से है और DSLR तकरीबन मेरा एक हाथ दूरी पर है, तो इससे आपको ब्लॉगिंग करते वक्त अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी जो नेक्स्ट ऑडियो आएगा वो बोया का MM1 शॉटगन माइक्रोफोन अटैच करने के बाद हम उसका क्वालिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये बोया का MM1 शॉटगन माइक्रोफोन अटैच किया हूँ और ये सेम डिस्टेंस मेरा एक हाथ दूरी पर ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे मैं अपने DSLR में इसको अटैच किया हूँ और साउंड क्वालिटी कुछ इस तरह से आती है। हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, बोया MM1। इफ यू लाइक अवर वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मोबाइल से शूट किया हुआ है और जो ऑडियो सुन रहे हैं वो डायरेक्ट मोबाइल से आ रहा है। तो अभी हम बोया का MM1 शॉटगन माइक्रोफोन को अटैच करके देखेंगे कि इसका ऑडियो क्वालिटी में कैसे चेंजेस आती है। ये जो ऑडियो आ रही है ये बोया का MM1 शॉटगन माइक्रोफोन से आ रही है और इसका ऑडियो क्वालिटी में आपको क्या डिफरेंस आया आप हमें जरूर बताएं। माइक टेस्टिंग, 1 2 3, 1 2 3। साउंड टेस्ट के बाद अभी आ जाते हैं इसका प्रोस एंड कॉन्स में। इसका जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है इसमें बैटरी का ज़रूरत नहीं है, आपको बैटरी का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्राइस के वाइज थोड़ा सा हाई है। अगर ये बिलो 1500 में अवेलेबल हो जाता तो ये सभी नए यूट्यूबर और ब्लॉगर के लिए एक कैपेबल शॉटगन माइक्रोफोन हो सकता था, बट रोड वीडियो माइक के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये काफ़ी चीप प्राइस है। बिलो 2000 में इसको 2200 समथिंग में बाय किया था और जो बेस्ट प्राइस का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकेंड प्रोस का बात करें तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी, ये जो बिल्ड क्वालिटी ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। ये पूरा फुल्ली मेटल का है। अब आप साउंड टेस्ट आप सुने हैं तो आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और नेगेटिव्स पॉइंट में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये जो है ये थोड़ा मुझे क्वालिटी इसका लो लगा। ये कोल्ड शूज़ में माउंट होने के बाद अगर कुछ वाइब्रेशन होता है तो उसका जो नॉइज़ रहता है उसको रोकने के लिए इस तरह से ये माउंट दिया जाता है। इसको शॉक अब्जॉर्बिंग माउंट भी बोला जाता है। ये थोड़ा मुझे क्वालिटी इसका थोड़ा सा लो लगा, बट ओवरऑल माइक्रोफोन का क्वालिटी बहुत अच्छा लगा और जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे।